हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बेसन के चीले। तो फ्रेंड, बेसन के चीले बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक बड़ा बाउल बेसन का लिया है और वेजिटेबल लिए हैं। उसमें हमने यहाँ पे पालक लिया है जिसको बारीक काट लिया है, हरा धनिया लिया है उसे भी हमने बारीक बारीक टुकड़ों में काट लिया है, दो मीडियम साइज की प्याज ली है जिन्हें भी हमने बारीक बारीक काट लिया है, और यहाँ पे लिए हमने एक शिमला मिर्च जिसको भी बिल्कुल छोटा छोटा टुकड़ा कर लिया है, और यहाँ पे हमने दो मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं उनको भी बारीक टुकड़ों में काट लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बेसन का चीला बनाना स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा घोल बना लेंगे। घोल बनाने के लिए हम इसे पानी ऐड करेंगे। पानी हमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में ऐड करना है, एक साथ पूरा पानी नहीं मिलाना है, और इसको मिलाते जाना है। अभी फ्रेंड्स हमने इसमें अच्छे से पानी मिला लिया है, अगर अभी भी इसमें थोड़ी थिकनेस है थोड़ा पानी और ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मेल्ट मेल्ट कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे एक बेसन का पतला सा घोल बना के तैयार कर लिया है फ्रेंड्स। अब इसमें हम ऐड करेंगे सॉल्ट। यहाँ पे हमने 1 टेबल स्पून सॉल्ट लिया है और ऐड कर देंगे। यहाँ पे हमने 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर लिया है, वो भी इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ पे हमने 1/4 टेबल स्पून हल्दी पाउडर लिया है, वो भी इसमें ऐड कर देंगे। एक चुटकी हमने यहाँ पे अजवाइन ली है, वह भी इसमें ऐड कर देंगे। अजवाइन हमने इसमें डाली है इसलिए क्योंकि ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। यहाँ पे हमने जो पालक लिया था वह इसमें ऐड करेंगे। हरा धनिया पत्ती डालेंगे। दो मीडियम साइज के टमाटर लिए थे वो इसमें ऐड करेंगे। इसमें अब प्याज डालेंगे, और यहाँ पे हमने जो शिमला मिर्ची ली थी बारीक कटी हुई वो भी इसमें ऐड कर देंगे। तो फ्रेंड्स, इन्हें अच्छे से हम मिला लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा फ्रेंड्स हींग पाउडर डालेंगे। इसमें एक चुटकी हम हींग पाउडर ऐड करेंगे। डाइजेशन के लिए हींग और अजवाइन दोनों ही बेस्ट है, और ये वैसे भी सेहत के लिए बहुत हेल्दी है क्योंकि इसमें हमने वेजिटेबल जैसे पालक है, शिमला मिर्ची ऐड करी है। तो ये हमारा जो चीले का घोल है वो बन के रेडी है। तो अब हम गैस ऑन करेंगे हमारी। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर नॉन स्टिक पैन चढ़ा दिया है, और पैन हमारा हल्का सा गर्म हो चुका है, तो इस पर हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। तो तेल हमारा अच्छे सा गर्म हो चुका है, पैन भी अच्छे से गर्म हो चुका है। अब जो बेसन का घोल है वो इसमें हम डालेंगे। बेसन के घोल को अच्छे से फैला लेंगे। चीले के ऊपर की तरफ परत पे जो हल्का सा कलर आया है, बबल्स आए हैं और थोड़ा सूख गया, तो इस पर हल्का सा हम पलटने के लिए इसको पहले तेल लगा लेंगे। तेल हमें बिल्कुल थोड़ी मात्रा में ही लगाना है। अब इसे हम अच्छे से पलट लेंगे। एक बार चेक, तो देखिए फ्रेंड्स, इसे हमने पलट लिया है। अब इसे दूसरी तरफ से भी चेक कर लेते हैं कि सिक चुका है, तो इसको पलटेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरफ से भी बिल्कुल अच्छे से सिक चुका है। बहुत ही अच्छा कलर, बहुत ही प्यारा कलर आया है फ्रेंड्स। इसी तरह से हम बाकी चीले हैं वो बना के तैयार कर लेंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने इसे प्लेट में निकाल लिया है। इसी तरह से दूसरा चीला भी बना के तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड, इस प्रकार हमारे बेसन के चीले बनके तैयार हैं फ्रेंड्स। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी।